गुड मॉर्निंग वंस अगेन द रिकॉर्डिंग हैज बिगन, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। तो नीलिमा तो बोलती रहती है, उठपटांग बातें बोलती रहती है बच्ची, इग्नोर करने का। अपन पढ़ाई करते हैं, बराबर पढ़ाई करते हैं अपन पढ़ाई करते हैं। लेट्स गो ऑन। बर्थडे के दिन नहीं पढ़ते ऐसा किसने, पढ़ते नहीं है चलो मान लिया, बर्थडे के दिन पढ़ाते नहीं है ऐसा रूल नहीं है, इसलिए सर पढ़ाएंगे, बराबर। बर्थडे के दिन पढ़ते नहीं है मान लिया, एक्सेप्टेड, पर पढ़ाते नहीं है ऐसा रूल नहीं है। हाँ आवाज रिवानो बेटा, आवाज रिवानो। हाँ मुस्कान पढ़ी थी ना उस दिन, चलो सही बात है। लेट्स गो ऑन विद द शेयरिंग स्क्रीन। सो वी आर गोइंग थ्रू द नाउ चैप्टर नंबर थ्री पे हम पहुंचे, सॉरी चैप्टर नंबर टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड आइडिया वाज जनरेटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ द सिलेबस। याद छे ने पहला चैप्टर में आपने बात करी हती क्या डेप्रिसिएशन शू छे। तो डेप्रिसिएशन क्या है, पार्ट वन के अंदर पहले चैप्टर में ही हमने देखा था दैट ड्यू टू एनी रीजन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, टेंजिबल इनटेंजिबल असेट्स डिक्लाइंस, टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट है उसकी वैल्यू किसी भी वजह से अगर डिक्लाइन होती है, मतलब डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन है, ये मैंने खरीदा था 35,000 में, आज उसको बेचने जाऊं तो मुझे मिलेंगे सपोज बुक वैल्यू की 30,000 मिल रहे हैं, तो दैट 5,000 रिडक्शन इन द वैल्यू, ए रिडक्शन केम था, व्हाट शुड बी, व्हाट मस्ट बी द रीजन बिहाइंड, वो रिडक्शन क्यों हुआ होगा, कोई कहेगा? दो स्ट्रॉन्ग रीजन हमने पहले चैप्टर में बताए थे, उसके अलावा और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, जस्ट थिंक एंड से, क्यों रीजन हो सके कि भाई केम आनी वैल्यू डिक्रीज थी गई। रिप्लाई टू दी चैट बॉक्स, या सेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, क्या वजह हो सकती है? डैमेज हो सकता है एक रीजन, राइट, डैमेज हो गया, राइट, डैमेज। यूजेस भी रीजन हो सकता है, यूजिंग द असेट, पीरियड ऑफ टाइम दैट इट हैज बिकम ओल्ड, राइट। और क्या वजह हो सकती है? चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। सो अपग्रेडेशन हो सकता है, न्यू इन्वेंशन वजह हो सकती है। सो द वेरियस कॉसेस ड्यू टू विच द एग्जिस्टिंग असेट लूजिंग इट्स वैल्यू, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द यूजेस ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट, दैट रिडक्शन इज जनरली रिगार्डेड एज डेप्रिसिएशन। So that we'll see here in this chapter. Introduction portion is there. Meaning definition will be coming. Characteristics, necessity, that why is it necessary to provide depreciation. Factors that affect the depreciation, that amount of depreciation remains high or low, that depending upon various factors. Factors to be considered while calculating the depreciation, that we'll study. What assets are called depreciable asset will be there. Thus methods and depreciation count karne ki. कितनी मेथड्स हैं, खाली कितनी मेथड्स हैं, जस्ट हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, 10 मेथड्स, बराबर ना ब्रोन, कितना खाली 10 सज मेथड्स। तो अलग अलग मेथड्स जो है वो हम देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, पर हमारे सिलेबस में खाली कितनी मेथड्स है मालूम है हमें, जो एग्जांपल्स करने, कितनी मेथड के करने, खाली, समझ गए? सो दैट विल स्टडी दैट द मेथड्स व्हाट वी स्टडी विल बी SLM एंड RBM। दिखाऊ बताने कई बे मेथड आपने स्टडी करवाना चाहिए, आपने स्टडी कई बे मेथड करवाना चाहिए, SLM दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, दिखा SLM का मतलब क्या, SLM का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा RBM दैट इज
That is reducing balance method. Okay. So these two method will study. Methods of recording depreciation, depreciation record करने के methods हैं और कुछ illustrations या examples. तो ये चीजें हम देखने वाले हैं. Different kind of fixed assets, tangible assets like machine, furniture, building, vehicle, computer, etc. used in a trade business. Each asset has its own useful life. The useful life is based on the time period for which it can be used. Due to use of asset, its efficiency decreases. अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन्स है, फर्नीचर है, मोबाइल है, अलग अलग प्रकार के टेंजिबल असेट्स हम यूज करते हैं. हर एक की लाइफ अलग अलग है और जैसे जैसे उसकी लाइफ जाती है, बीतती जाएगी, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती जाएगी. ड्यू टू द यूज ऑफ असेट इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस. ड्यू टू नेचुरल और फिजिकल फैक्टर, ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम, due to innovation value of assets keeps on decreasing. ये बातें जो हमने starting में की. Sometimes in spite of having good physical condition of asset, the use of old asset become expensive due to the emergence of a new or new and more efficient assets. ऐसा जरूर नहीं कि सर asset की condition खराब हो इसलिए depreciation है. Asset एकदम बढ़िया condition में पर new technology based asset आ गया इसलिए वो पुराने वाले की value, iPhone 10 की वैल्यू iPhone 11 के आने से घट गई थी. उसी तरह से iPhone 11 की वैल्यू, समझ गए, ऊपर लिखा हुआ है 10+2. तो दीज आर द जनरल कॉजेस अंडर विच वी नीड टू कंसीडर वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. ड्यू टू दिस रीजंस द लाइफ ऑफ असेट बिकम्स फाइनाइट और लिमिटेड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द अबव स्टेटेड रीजन. व्हेन एफिशिएंसी ऑफ असेट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कंसिक्वेंटली द यूजफुल वैल्यू ऑफ असेट ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एंड परमानेंटली डिक्रीजिस, इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. डेफिनेशन मीनिंग देख ले डेप्रिसिएशन के बारे में. कार्टर साहब क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट. ग्रेजुअल, दैट इज ग्रेजुअल मीन्स व्हाट, स्लोली, धीरे धीरे जब रिडक्शन हो ना उसको हम ग्रेजुअल रिडक्शन बोलते हैं. परमानेंट, एक बार रिड्यूस हो गया वो वापिस इंक्रीज नहीं होने वाला. वंस इट हैज रिड्यूस्ड विल नेवर रिवर्स्ड ऑफ. That reduction in the value of asset is considered as depreciation due to any reason. Clear? एकदम easy, short and sweet definition दिया है कार्टर साहब ने. What is depreciation? Is a gradual permanent reduction or decrease in the value of the asset due to any reason. Easy to understand. Depreciation may be defined as measure of exhaustion. That is, यूज की वजह से जब किसी चीज की वैल्यू डाउन हो जाती है, एकदम एग्जॉस्टिव हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन असेट, मेजर ऑफ एन एग्जॉस्टन, दैट इज एंड ऑफ द इफेक्टिव लाइफ. के भाई 5 साल लाइफ थी किसी असेट की, समझो इसको हम इलस्ट्रेशन लेके समझे कि मैंने एक मशीन परचेस किया. आई बॉट वन मशीन, सपोज फॉर एग्जाम्पल, कितने में परचेस किया, 1 लाख में. उसकी लाइफ जो है, सपोज 5 ईयर थी, कितनी, 5 ईयर्स. तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर भाई 5 ईयर लाइफ छे, तो सपोज 1 लाख 5 ईयर में एक्सपेंस क्या है, 1 वर्ष नो रिडक्शन कितलू थसे 1 वर्ष नो रिडक्शन 20,000. तो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ 1 ईयर अगर हो तो उसकी वैल्यू हम कितनी गिनेंगे, अब 80,000. गॉट दिस, यस और नो, गॉट दिस, ख्याल आए हुआ सूखे हम मांगे चाहिए. अगेन, और अगर 1 साल हम कंसिडर कर लें कि और 1 साल चले गए, तो आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू हम क्या गिनेंगे, आफ्टर टू ईयर इट्स वैल्यू विल बी 60,000. तो भाई कितना लाइफ एग्जॉस्टिव हो गया, एग्जॉस्टिव मतलब खत्म हो गया, एग्जॉस्टिव हो गया लाइफ मतलब खत्म हो गया. तो 2 साल लाइफ खत्म हुआ उसकी वैल्यू 40,000 घट गई, 3 साल लाइफ खत्म हुआ उसकी वैल्यू 60,000 घट जाएगी. सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द यूजफुल लाइफ एफिशिएंसी ऑफ द असेट इज कंसीडर्ड एज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दैट गिवन ड्यू टू एनी कॉज. वो रिडक्शन किसी वजह से उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे. ख्याल आ गया, स्पाइसर एंड पेगलर साहब क्या कह रहे हैं, ख्याल आ गया सबको. गॉट दिस एवरीवन,
क्लियर ना? रिप्लाई टू द चैट बॉक्स फास्ट, रिप्लाई टू द चैट बॉक्स फास्ट। ओके, अबे आ पैराग्राफ आपेलो जे आ जरा जाते एक बार रीड करी लेजो। आपणे जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स पर, भाई डेप्रिसिएशन क्या असेट पर होय। असेट्स बे टाइप ना होय जे, खबर जे कोई ने, असेट्स बे टाइप ना होय जे, खबर जे कोई ने। एक होता है नॉन करंट असेट, मेन दो टाइप होते हैं, दूसरा होता है करंट असेट। असेट कितने टाइप के होते हैं? मेनली टू टाइप्स। कौन से टू टाइप्स? कौन से टू टाइप्स? नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। याद रखो, डेप्रिसिएशन नॉन करंट असेट मतलब के फिक्स्ड असेट्स के ऊपर आता है। डेप्रिसिएशन कौन से असेट पे आएगा? लिखते रहो चैट बॉक्स में, आप तो कथा ही करने वाले हैं। नॉन करंट असेट पे होता है, मतलब कौन से? फिक्स्ड असेट पे। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। क्या असेट्स पर? फिक्स्ड में भी टेंजिबल, इनटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, मेन थ्री असेट होय छे। दस दीज असेट्स आर नॉन एस, और इस वजह से उस असेट को, जिस असेट पे डेप्रिसिएशन काउंट किया जाता है ना, उसको डेप्रिसिएबल असेट बोलते हैं। बाद में आएगा डिटेल में व्हाट इज डेप्रिसिएबल, वहां पे फिर से बात करेंगे। बिसाइड दिस इंटेंजिबल असेट्स, लाइक कुछ इंटेंजिबल असेट्स भी हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आर ऑल्सो ग्रेजुअली रिटर्न डाउन ड्यूरिंग देयर एस्टिमेटेड लाइफ। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन डैश असेट। अगर पूछे डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन डैश असेट, तो कौन से असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है? कौन से असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है? ख्याल आ गया? यहां सर ने समझाया था भाई, असेट दो है मेनली आपके पास, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। डेप्रिसिएशन कौन से पे होगा, कौन से पे डेप्रिसिएशन आएगा, कौन से असेट पे डेप्रिसिएशन आएगा? क्लियर? और कौन से पे नहीं आएगा, कौन से पे नहीं आएगा, तो याद रखना है। आगे देखें यूजफुल वैल्यू। द डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स कंटिन्यूअस एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूजफुल वैल्यू। अभी हमने देखा ना, 1 लाख का था, 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। 2 ईयर के बाद उसकी वैल्यू हो गई 60,000। तो इसकी परमानेंट बेसिस पे 20,000 वैल्यू रिडक्शन हो गया। सो व्हाट डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स? रिडक्शन इन द यूजफुल वैल्यू ऑफ एन असेट। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्लियर? क्लियर Everyone, second point clear, useful value. Third time, time is a main factor. Time and uses, याद रखो, time and uses, these are the two main factor of the reduction in the value of asset. So time related expense है, depreciation कैसा expense है? Time related. भाई जैसे जैसे time ज्यादा होता जाएगा, पुराना होता जाएगा asset, वैसे वैसे उसकी value reduce होती जाएगी. Clear everyone? Third point. फोर्थ रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंस मेनली दो टाइप के होते हैं भाई। कैपिटल एक्सपेंस, वैसे तो तीन टाइप है पर अभी हम दो की बात करें, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस क्या है? कभी कभार होता है, नॉन रिपीटेटिव होता है। सीखा था ना, याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में नॉन रिपीटेटिव, फर्स्ट चैप्टर पार्ट वन में सीखा था। और ये क्या है? रिकरिंग है। रिकरिंग मींस रिपीटेटिव है। डेप्रिसिएशन भी हर साल आएगा, हर साल आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस है, और याद रखो जितने रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस ईयर एंड में क्लोज होके ट्रेडिंग या पीएनएल में जाते हैं। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? क्लोज होके। हमने बात की थी, कौन से चैप्टर में बात की थी भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज होके कहां जाएगा? कौन से चैप्टर में बात की थी हमने? याद है? इन विच चैप्टर वी डिस्कस्ड अर्लियर, क्या जैसे क्लोज था ही नहीं भाई, बोलो 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 बोलो, कौन से चैप्टर में ये बात की थी हमने? क्लोजिंग एंट्री सीखा था आपने, क्या चैप्टर में सीखा था? बस तो क्या चैप्टर में सीखा था, याद कराओ पर से मारे। क्लोजिंग एंट्री का चैप्टर में सीखा था, बोलो जल्दी जरा बच्चों। हाँ, 8th चैप्टर जनरल प्रॉपर में, राइट। तो डेप्रिसिएशन के बारे में भी वहां हमने देखा था कि उसकी क्लोजिंग एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? क्लियर एवरीवन? रिटर्न ऑफ अमाउंट,
In spite of being revenue expense, the depreciation is not paid in cash. देखो आ वस्तु समझवानो, आ वस्तु आपणे थोड़ू समझवानुं छे कि भाई तमे ज्यारे कोई एक्सपेंस पे करो तो एंट्री शू बने, कोई एक्सपेंस पे करो तो एंट्री शू बने, बोलो तो जरा, आपणे कोई एक्सपेंस पे करीए शू बने एंट्री? सपोज सैलरी पेड, क्या बनेगी एंट्री? सैलरी पेड रुपीज 500, क्या बनेगी एंट्री? क्या बनेगी एंट्री? सैलरी टू कैश, राइट, 500, क्लियर? लाइट बिल पे किया, लाइट बिल पेड रुपीज 800, तो एंट्री शू बन से? लाइट बिल टू कैश, राइट, लाइट बिल टू कैश 800, क्लियर? क्लियर से यस और नो? यस और नो? तो आ एक्सपेंस छे, सैलरी एक्सपेंस छे, लाइट बिल एक्सपेंस छे, क्लियर? एक्सपेंस छे, क्यों एक्सपेंस छे? रेवेन्यू, रिपीटेटिव वाला है, ये भी कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी एक्सपेंस है या नहीं? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सपोज इट इज 10,000, इज रेवेन्यू एक्सपेंस और नॉट? इज रेवेन्यू एक्सपेंस और नॉट? अभी देखा हमने यहां पे कि रेवेन्यू एक्सपेंस है, राइट, क्लियर? डेप्रिसिएशन इज रेवेन्यू एक्सपेंस, क्लियर? नॉर्मली एक्सपेंस की एंट्री क्या आती है? नॉर्मली एक्सपेंस की एंट्री क्या आती है? एक्सपेंस टू कैश। नॉर्मली एक्सपेंस की एंट्री क्या आती है? जो एक्सपेंस हो टू कैश। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री आएगी? सर ने चैप्टर 8 में सिखाया था, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री आएगी? डेप्रिसिएशन टू असेट, एंट्री? बोलो सो आवसे डेप्रिसिएशन टू, जो असेट का डेप्रिसिएशन है वो याद करना, देखना चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके देखना, उस दिन का वीडियो देखोगे तो पता चला। तो यहां पे जब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन गिन रहे हो तो क्या आएगी एंट्री? डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग अकाउंट 10,000, ओके। और फिर ये सारे अकाउंट क्लोज होते हैं, सैलरी क्लोज होके जाएगा पी एंड एल में, तो उसकी बनेगी एंट्री पी एंड एल टू सैलरी, पी एंड एल टू लाइट बिल, पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन, बदा क्लोज थी ने जैसे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर टिल हियर? इसलिए ये अमाउंट राइट ऑफ होता है इन स्पाइट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज नॉट पेड इन कैश, कैश में नहीं होता है। जनरली एक्सपेंसेस में क्या होता है? टू कैश अकाउंट, पर डेप्रिसिएशन में टू कैश नहीं, टू असेट अकाउंट होगा, लाइक सैलरी और रेंट। यूज ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन अलोंग विद टाइम, जितलू वधारे एवं पॉसिबल छे, जस्ट थिंक ऑन इट। ऐसा पॉसिबल है कि दो जनों ने एक साथ में व्हीकल लिया था, व्हीकल खरीदा था एक साथ में दो जनों ने, ओके, दो जनों ने कार खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल दो जनों ने कार खरीदी, मिस्टर ए मिस्टर बी, कितने की कार खरीदी? तो 10,00,000 की, ओके। आफ्टर 5 ईयर्स वो सेल करने जा रहे हैं ना, आफ्टर 5 ईयर्स मिस्टर ए को कार के सिर्फ मिल रहे हैं 3,00,000 और बी को 5,00,000 मिल रहे हैं। इज इट पॉसिबल? यस और नो? टाइम दोनों का 5 ईयर्स ही हुआ है, टाइम दोनों का 5 ईयर्स हुआ है, क्लियर? क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम पे तो कनेक्टेड है, साथ में किस चीज पे कनेक्टेड है? दूसरा, यूज ऑफ द एसेट। पहला है सारी रीते यूज करियो असे, मेंटेन करियो असे, એટલે ને 5 લાખ મળે છે। જ્યારે મિસ્ટર એ એની કાળજી ઓછી રાખી હશે, યુઝ વધારે કર્યો હશે, ક્લિયર, એની કન્ડિશન વધારે ખરાબ થઈ હશે, તેને ઓછા મળશે। તો યહી બાત યહાં કહા હુઆ ધ ડેપ્રિસિએશન ઇઝ બેઝ્ડ ઓન કન્ઝમ્પશન અલોંગ વિથ, તો ટાઈમ કે સાથ સાથ, એસા નહીં ફિર કઈ લોગે ને વહાં પે બ્લેમ કરતે હૈ, પેલાની ભી 5 વર્ષ જૂની છે, મારી ભી 5 વર્ષ જૂની છે, પેલાને 5 લાખ મળે છે ને મારા 3 લાખ જ મળે, કેમ આવું? ભાઈ યુઝ ઉપર પણ ડેપ્રિસિએશન બેઝ્ડ છે, ક્લિયર ને? ઇઝ ઇટ डन? आगे देखें, जनरली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करना है? डिडक्ट करना है। किस चीज में से डिडक्ट करना है रोशन? फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहां पे कि अगर अगर कार 10,00,000 की है, उसकी लाइफ 10 साल हो, 10 ईयर्स हो,
तो एक साल के बाद उसका 1,00,000 रुपए डेप्रिसिएशन हमें डिडक्ट करना है, तो अब असेट की वैल्यू कितनी गिनेंगे, 9,00,000। फिर अगेन एक साल के बाद 1,00,000 डिडक्ट करेंगे, अब उसकी वैल्यू कितनी गिनेंगे, 8,00,000। क्लियर? तो जनरली डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती है, असेट के वैल्यू में से वो डिडक्ट किया जाता है। प्रोविजन, डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन शू है, नेक्स्ट चैप्टर में सीखीशू आप, देखा है नेक्स्ट चैप्टर नु नाम शू है, रिजर्व एंड प्रोविजन। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर एग्जाम्पल 10,00,000 की कार है, 10,00,000 की कार है, कार कितने की है, 10,00,000 की, उसकी लाइफ 10 ईयर है, लाइफ कितना है, 10 ईयर। अगर स्क्रैप को ध्यान में ना लिया जाए तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 ईयर का, 1 ईयर का कितना होगा, 1,00,000 होगा। अब 3 साल में सपोज मैंने ये कार को 4 साल यूज किया, 4 साल यूज किया, तो 4 साल में कितने, 4,00,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गए 4 साल के, तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6,00,000 हो गई। क्लियर? अच्छा, ये जो 4,00,000 डेप्रिसिएशन है, ये आपने पे किया किसी को, सैलरी रेंट की तरह पे किया कैश में, यस और नो? कैश में पे किया, यस और नो? नो, राइट? नहीं पे किया, मतलब ये 4,00,000 आपके एक्सपेंस हुए पर आपने किसी को पे नहीं किया, राइट? 4,00,000 रुपया एक्सपेंस थयो पण आपने कोई ने आप्या नहीं, ये पैसा कोनी पासे छे, कोनी पासे छे पैसा, कोनी पासे छे? जो लाइट बिल हो तो लाइट बिल टू कैश करता, सैलरी हो तो सैलरी टू कैश करता, रेंट हो तो रेंट टू कैश करता, डेप्रिसिएशन टू कैश नहीं करियो, डेप्रिसिएशन टू कार करियो आपने, बराबर? એટલે 4 વર્ષના 4,00,000 રૂપિયા કોની પાસે છે, વિથ હુમ ધેટ અમાઉન્ટ ઇઝ, આપણી પાસે જ છે, એક્સપેન્સ ગણીએ તો પૈસા થાય ને, એ પૈસા આપણી પાસે જ છે, રાઈટ? ધેટ અમાઉન્ટ વી હેવ, નીલિમા સહી વાત હૈ યા નહીં? बीच बीच में आप कुछ करने वाले थी, चुप बैठ गई हो, अब एकदम से नहीं चलेगा ऐसा, सही बात है, अपने ही पास है ना वो अमाउंट, ओके। अच्छा, अब ये 4 साल के बाद मेरी इच्छा हो गई कि इस कार को बेच के एक दूसरी 12,00,000 वाली कार मुझे खरीदनी है। 4 साल के बाद ये कार को बेच के मेरी इच्छा क्या हो गई कि 12,00,000 वाली, तो वो 4,00,000 रुपए मुझे काम लगेंगे कि नहीं? प्रोविजन क्या होता है, फ्यूचर यूज पर्पस से जब आप कोई अमाउंट साइड पे रखते हो, दैट अमाउंट कैप्ट साइड विद अ स्पेसिफिक पर्पस टू बी यूटिलाइज इन द फ्यूचर इज कॉल्ड प्रोविजन। क्लियर? प्रोविजन क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि ये इस इतने रुपए में साइड में रख रहा, तो डेप्रिसिएशन एक तरह से उसी तरह उसी पर्पस से, हर साल हम 1,00,000 रुपए क्यों माइनस कर रहे हैं भाई, इस कार की लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद न्यू कार लेना पड़ेगा, तब ये 1,00,000 मुझे काम। જો આ બહુ ડિટેલ્ડ કોન્સેપ્ટ છે એટલે સર તમને આ ડિસ્કશનમાં લઈ રહ્યા છે આ વસ્તુ, અહીંયા એક લાઇનમાં ફિનિશ કરી દીધું છે, બુકમાં તમે જોશો ને શું કર્યું છે, બુકમાં જો એક લાઇનમાં, ડેપ્રિસિએશન ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ પ્રોવિઝન। હવે આમાં શું ખબર પડે સ્ટુડન્ટને, ખબર પડે ભાઈ પ્રોવિઝન જ નથી ખબર એને, તો આ 1 લાઇન શું સમજશે, ગોટ ધ થિંગ, ખ્યાલ આ રહ્યા સર કે આ વાત બોલ રહે, યે પ્રોવિઝન કેસે હુઆ, प्रोविजन कैसे होगा, क्लियर ना, इज इट क्लियर ना, कि भाई वो हर साल जो साइड पे आप पैसे रख रहे हो ना साहिल, वो पैसे किसके पास है, वो हमने किसी को पे किया या हमारे पास ही है, बेटा रोशन हमारे पास ही है वो पैसे, राइट ब्रो, आपने जोड़े छे, तो जारे आपने न्यू कार लेवा जाइसु त्यारे पैसा काम लागसे ना, ये पैसा अपन ने काम लागसे के नहीं लागे, तो फ्यूचर में कोई पण वस्तु मने काम लागे पर्पस थी जारे आपणे कोई पण मनी ने कैप्ट साइड करिए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन रिजर्व क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेट कम बैक। चलो कोई प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो जल्दी। अब बात करें नेसेसिटी,
नेसेसिटी पैराग्राफ जो है वो खुद देख लेना, हम पॉइंट देख लेंगे। भाई टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना? भाई 10 साल की लाइफ थी, 10 साल 1-1 लाख रुपए आपके असेट की वैल्यू डाउन हो रही, वो एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस जैसे आप दूसरे एक्सपेंसेस कैश में पे करते हो, ये पेड एक्सपेंस है, रेवेन्यू पेड एक्सपेंस है, क्योंकि आपने जब असेट खरीदा तब ये अमाउंट आपने पे कर ही दिया था। टू ट्रीट एज बिजनेस एक्सपेंस, एक्सपेंस जैसे कैश में, चाहे वो कैश में पे नहीं होता है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, टू नो द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, जो आप वस्तु समझोगे भाई ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट समझ मारे जानू हो। जस्ट थिंक, जस्ट थिंक, अपन एक एग्जांपल लेके समझे कि भाई अपने साल की टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, टोटल इनकम है सपोज 15 लाख एंड टोटल एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस है सपोज 13,50,000। ओके, पर हमें डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस नहीं मालूम है, तो हम प्रॉफिट कितना गिनेंगे? टोटल कौन सा? ये रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस, खबर देना रेवेन्यू लेवा है, कैपिटल ना लेवा, तो हम प्रॉफिट कितना गिनेंगे अपना, कितना प्रॉफिट मान के चलेंगे? हमें डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि भाई डेप्रिसिएशन नाम का भी एक एक्सपेंस होता है, नहीं मालूम है, तो हम प्रॉफिट कितना गिनेंगे, कितना गिनेंगे? बोलो बोलो बोलो, कितना गिनेंगे? 150, राइट? सही आंसर। पर खरेखर कार ऊपर 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन हतू, डेप्रिसिएशन ऑन कार हतू केटलो 1 लाख रुपया, तो रियल मा तो प्रॉफिट केटलो केवाय भाई, रियल मा प्रॉफिट केटलो केवाय? जो तमे डेप्रिसिएशन नहीं लखो तो तमे मिसगाइड थसो। क्लियर? अगर डेप्रिसिएशन आप नहीं लिखते हो, अगर डेप्रिसिएशन आप नहीं लिखते हो तो आप मिसगाइड हो जाओगे, आपको रियल प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। क्लियर? गॉट दिस? तो फर्स्ट पॉइंट वही है, सॉरी सेकंड पॉइंट, टू नो द ट्रू, इट इज एसेंशियल टू कंसीडर डेप्रिसिएशन टू नो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। नेक्स्ट, अवे डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आपने खबर जेने सीखवाना जी, विल स्टडी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मेनली कितनी साइड होती है मालूम है? बैलेंस शीट के अंदर मेनली कितनी साइड होती है? दो साइड, एक साइड होता है लायबिलिटी और दूसरा साइड होता है असेट। क्लियर? बैलेंस शीट में मेनली कितनी साइड हो जे? टू साइड, एक साइड होता है असेट्स और दूसरी साइड होती है लायबिलिटीज। अबे असेट साइड पर आपने बे असेट हो जे, नॉन करंट असेट आने करंट असेट। अब नॉन करंट असेट सपोज हमने लिखा 10 लाख, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके लिखना है या नहीं? सपोज डेप्रिसिएशन 10% हो तो 1 लाख माइनस करके लिखेंगे ना, यस और नो? अभी ऊपर हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में से, तो असेट हम 10 लाख लिखें या 9 लाख लिखें, व्हाट शुड बी रिटन? 10 लाख और 9 लाख, कई अमाउंट लिखा से बोलो तो जरा, 10 लाख लिखा है कि 9 लाख लिखा? 9 लाख लिखेंगे। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मालूम है, समझो ये बात, डेप्रिसिएशन नहीं मालूम या नहीं लिखते हो, तो आपको आप असेट गिनोगे, आप गिनोगे कि असेट 10 लाख की है पर सही में तो वो 9 लाख है। और बैलेंस शीट में अगर चीजें गलत हैं तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू मिलेगा, ट्रू एंड फेयर मिलेगा, यस और नो? बैलेंस शीट में वस्तु जो रॉन्ग हो तो तुमने फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? बैलेंस शीट, राइट? सो बैलेंस शीट डिस्क्लोसेस इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ बिजनेस वेयर डेप्रिसिएबल असेट आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ड्यू टू डिस्क्लोजर ऑफ असेट आफ्टर डेप्रिसिएशन द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स ट्रू पोजीशन। એટલે તમારે 10 લાખ નહીં બતાવવાના અસેટ ના ભાઈ, ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરીને બતાવ તો એ ટ્રુ વેલ્યુ બતાવશે, ઇઝન્ટ ઇટ ક્લિયર? ક્લિયર એવરીવન? ખ્યાલ આવી ગઈ આ વસ્તુને? ખ્યાલ આવી ગઈ? तो एक आ फैक्टर्स हैं। तो पहली बात हमने की, पहली बात के भाई उसको एक्सपेंस गिनना है इसलिए डेप्रिसिएशन काउंट करना है, दूसरा प्रॉफिट या लॉस जो है वो ट्रू एंड फेयर चाहिए, तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन सही जाननी है, चौथा करेक्ट कॉस्ट जानने के लिए, करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि आप वो अभी सर ने वो एक एग्जाम्पल लिया था ना भाई, आप कॉस्ट गिन रहे हो, प्रॉफिट हुआ अपना इनकम हुआ है 15 लाख और एक्सपेंस गिन रहे हो 13,50,000, डेप्रिसिएशन नहीं गिना तो, पर डेप्रिसिएशन के साथ कॉस्ट कितना हो गया? याद आया अभी सर ने एक एग्जांपल लिया था, फिर से बात कर लें कि भाई इनकम है अपना, रेवेन्यू इनकम है
15 लाख रुपए, और हम एक्सपेंस कितना गिन रहे हैं, एक्सपेंस 13,50,000, तो हम प्रॉफिट बांध के चल रहे हैं 1,50,000। पर सही में एक्सपेंस में और डेप्रिसिएशन भी ऐड करना है, कॉस्ट कितना है, 13,50,000 नहीं है, कितना है, 14,50,000, 14,50,000। तो कॉस्ट साची तुम्हारे जानवी हो, कॉस्ट साची जानवी हो, एना माटे पण डेप्रिसिएशन ने कंसीडर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फैक्ट्री और सर्विस एक्सपेंस अफेक्टिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस शुड बी कंसीडर्ड। दस लाइक अदर एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएबल असेट यूज्ड इन बिजनेस इज एसेंशियल टू बी कंसीडर्ड टू द डिटरमाइन द कॉस्ट। क्लियर, सही कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए भी डेप्रिसिएशन गिनना जरूरी है। टू डिटरमाइन करेक्ट सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस, एक जन यू विचार है कि भाई सपोज एक प्रोडक्ट तमें बनायो, एक प्रोडक्ट तमें बनायो वगर डेप्रिसिएशन है, तमें इनु एक्सपेंस कंसीडर करो, तो जो अहिया प्रॉब्लम शू थाय, अहिया प्रॉब्लम शू थाय समझो कि एक प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की, कि भाई एक प्रोडक्ट हमने सपोज बनाया है 800 में और हम 200 रुपये प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट बन के निकला 800 में, हम 200 रुपये प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो ऐसा सोच के हम उसका सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे, सेलिंग प्राइस 1000 रखेंगे, राइट। पर हमें डेप्रिसिएशन का नॉलेज नहीं था, अब सही में प्रोडक्ट 800 की है, उसके ऊपर 100 डेप्रिसिएशन भी था, बराबर, प्रोडक्ट की कॉस्ट 800 है और डेप्रिसिएशन कितना था उस पे 900 का, तो मुझे अगर 200 प्रॉफिट लेना हो तो कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए था, 1100 रखने चाहिए था। क्लियर, तो सेलिंग प्राइस भी आपको गलत मिलेगी, या तो फिर अगर, या तो ईयर एंड में आपको पता था, आप सोचो कि भाई प्रॉफिट 200 होना चाहिए पर प्रॉफिट 100 रुपये हुआ क्योंकि 100 डेप्रिसिएशन था, तो सेलिंग प्राइस सही जनरेट करने, टू अराइव एट सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टोटल कॉस्ट इज डिटरमाइंड वेयर डेप्रिसिएशन इज, तो टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है, बाद में आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। कुछ टाइम के बाद असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, ओल्ड असेट को न्यू असेट के साथ रिप्लेस करना पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, यूजेस की वजह से, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, यू नीड टू परचेज और रिप्लेस दैट एग्जिस्टिंग असेट विद द न्यू असेट। क्लियर, तो ए टाइम में तुमने पैसा नहीं जरूर पड़से ना, ए टाइम में पैसा नहीं जरूर पड़से ना, आ डेप्रिसिएशन ना भेगा करेला पैसा त्या काम लागसे, जो हर साल हम डेप, क्योंकि वो हमने कैश में पे किया था या नहीं किया था, कैश में पे किया था हमने, वो नहीं किया था तो कैश तो अपने पास ही रह गई थी, वो पैसे तो आपका कैपिटल प्रिजर्व होता है, देखो ये पॉइंट मेंटेन होता है, कैपिटल मेंटेन, द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन फिक्स्ड असेट, द असेट्स बिकम यूजलेस एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, टू एक्वायर न्यू असेट रिप्लेसिंग दिस असेट कैपिटल इज नीडेड, टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ कैपिटल इन बिजनेस डेप्रिसिएशन प्रोविजन बीइंग मेड ऑन असेट्स ऑफ बिजनेस। अब प्रोविजन क्या है वो तो ख्याल आ गया ना, सबने समझा दिया वो चीज, बराबर, क्लियर, पॉइंट नंबर 6 ख्याल आइयो बताने, क्लियर। एंड लास्ट इज टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन, हमारे कंट्री में 3 लीगल प्रोविजन है डेप्रिसिएशन के लिए, 3 लीगल प्रोविजन है, वो तीनों 3 लीगल प्रोविजन, भाई प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए, ओके। असेट की लाइफ में उसका 90% वैल्यू राइट डाउन करना चाहिए और मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन पे करने से पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाहिए, इस तरह का ये लीगल प्रोविजन अपने सिलेबस में नहीं सर एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो लीगल प्रोविजन कंप्लाई करने के लिए भी आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा। सो दीज आर द नेसेसिटी ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डन, एनी प्रॉब्लम टिल हियर एनीवन, कोई डाउट प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट टॉपिक देखे फैक्टर्स, भाई डेप्रिसिएशन पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से? सबसे पहला फैक्टर है यूज ऑफ असेट, जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी, क्लियर। तो यूजेस इज द मेन फैक्टर ऑफ द डेप्रिसिएशन, ओके एवरीवन। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते, तो यूजफुल लाइफ,
एंड यूजफुल वैल्यू ऑल्सो रिड्यूस इज ड्यू टू रिडक्शन इन एफिशियंसी ऑफ द असेट ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू रिडक्शन ऑफ असेट शोज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट है टाइम फैक्टर. भाई असेट जितना पुराना होता जाएगा उतना उसका वैल्यू. कभी सुना है कि भाई हाँ फिर पची बहुत जूनू थे जन तो पची वैल्यू इंक्रीज था एक खबर से बहुत जूनू थे जन पची यानी वैल्यू इंक्रीज था. एक साल के बाद उसकी वैल्यू लाख घटी, दो साल के बाद लाख घटी. पर वही चीज सर ये चीज 300 साल पुरानी है बराबर तो वो एंटीक पीस बन जाएगा विंटेज आइटम विंटेज असेट. यस पर ये वस्तु नहीं आपने बात नहीं करता हमने नहीं आपने बात करता नहीं ब्रोन क्लियर बेटा ओके. तो टाइम फैक्टर ये एक मेन चीज है. लीज होल्ड असेट सुनाओ लीज पे लिया है भाई 10 साल के लीज पे लिया है या 5 साल के लीज पे आपने असेट लिया है. लीज पे लेना मतलब 5 साल का एक साथ में एक प्रकार का रेंट मैंने पे कर दिया कि भैया आ मशीन मारी 5 वर्ष माटे तो 1 वर्ष में 1,00,000 रुपया तुम्हारा एक्सपेंस के पाए अपन डेप्रिसिएबल असेट है. क्लियर क्लियर. ग्रेजुअल रिडक्शन इन क्वांटिटी. कई जगह पे क्या माइंस बिजनेस होते हैं गोल्ड माइन गैस माइन ऑयल वेल्स कॉल माइंस तो जेम जेम अंदर क्वांटिटी घटती जैसे ख्याल है एक 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 माइन आपने लिया खरीदा गैस माइन या ऑयल वेल से आपने खरीदा उसमें से जैसे जैसे ऑयल बाहर आता जाएगा ऐसे ऐसे उस ऑयल वेल की वैल्यू डाउन होती जाएगी या नहीं होती जाएगी जस्ट थिंक ऑन इट विल इट्स वैल्यू बी रिड्यूस और नॉट. एक कॉल माइन हमें मिला वहां उसमें से जैसे जैसे कॉल बाहर आता जाएगा वैसे वैसे उस माइन की वैल्यू क्या होती जाएगी डाउन होती जाएगी. क्लियर क्लियर एवरीवन. सो दैट इज द थर्ड पॉइंट ग्रेजुअल रिडक्शन इन क्वांटिटी. जैसे जैसे क्वांटिटी घटती जाएगी ना वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी. परमानेंट रिडक्शन क्या सडन रिडक्शन होता है एज एंड व्हेन एक बार ये रिड्यूस हो गया फिर वो इंक्रीज नहीं होने वाला है. मार्केट में वैल्यू अप एंड डाउन हो ना उसको परमानेंट रिडक्शन नहीं बोलेंगे. परमानेंट बेसिस पे इसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो मतलब कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है वो नहीं. ये नीचे चला गया अब ये वैल्यू ऊपर नहीं आने वाला है दैट रिडक्शन इज डेप्रिसिएशन. क्लियर एनी डाउट टिल हियर एनी डाउट टिल हियर. आगे बढ़े एक्सीडेंट एना लीजिए असेट नी वैल्यू डाउन थसे के नहीं था भाई सडन लॉस हो गया क्रिएट्स लॉस ड्यूरिंग द यूज ऑफ द असेट उसकी वजह से असेट के यूज में सडन लॉस हो जाता है तो वो भी एक फैक्टर है. न्यू इनोवेशन ये बात की हमने कि भाई iPhone 12 आने के बाद iPhone 11 की वैल्यू बट नेचर है डाउन हो जाएगी या नहीं. ओके कई बार नेचुरल कॉजेज या नेचुरल फैक्टर होते हैं भाई सुनामी है अर्थक्वेक है फ्लॉड है इस वजह से असेट की वैल्यू सडन डाउन हो जाती है. भैया अर्थक्वेक आया बिल्डिंग यहाँ हुआ करती थी हो गई बिल्डिंग यहाँ है से क्या हो गया कहीं हमारी बिल्डिंग आज जो 1 करोड़ रुपया खर्च करी ने बिल्डिंग बनावड़ा हो बीजा दिवस कुदरत करिश्मा करो अने 1 करोड़ ने बिल्डिंग जमीन में बेसी गई द एक्ट ऑफ गॉड क्या हुआ यहां पे सडन रिडक्शन और कौन सा वजह क्या है नेचुरल कॉजेस. क्लियर एवरीवन इज इट क्लियर. आगे देखें तो नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से असेट की वैल्यू डाउन होती है. नाउ फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग और डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन डिटरमाइन करते टाइम कौन कौन से फैक्टर्स देखो मेन फैक्टर्स जो है ना 3 उस पे से डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला बनते सी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन असेट. भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है पार्ट 1 में हमने सीखा है ना असेट खरीदते हो तो एक्सपेंसेस अंदर ऐड करने नहीं करने उसके. ये मोबाइल खरीदा मैंने सपोज 40,000 में उसका कवर है फिर अंदर कुछ कार्ड वार्ड डलवाया मेमोरी कार्ड वो सब का खर्च हुआ 1,000 रुपए तो मोबाइल 40 का गिनोगे या 41 का गिनोगे 40 का गिनेंगे या 41 का गिनेंगे 41 का. क्लियर मैंने लैपटॉप खरीदा 30,000 में लैपटॉप
30,000 में मैंने खरीदा, साथ में 300 रुपए का एक कीबोर्ड खरीदा है, एक्सपी पैड मैंने खरीदा है 7,000 का, तो ये सब मेरे इंटरनेट सिस्टम के अंदर इंटरनेट का चार्जेस, इंटरनेट कनेक्शन जो लिया वो सब अंदर ऐड करके कॉस्ट गिनेंगे या खाली लैपटॉप गिनेंगे ऑनलाइन।